दोस्तों, लीवर में गंदगी होने से उसकी कार्य क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए इसे समय समय पर डिटॉक्स करना यानी कि साफ करना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से फूड्स हैं जिन्हें खाने से आप अपने लीवर को बिल्कुल नेचुरल तरीके से डिटॉक्स यानी कि साफ कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए। फाइबर वाले फूड्स का सेवन करने से आपका लीवर अच्छी तरीके से डिटॉक्स हो जाता है और इसके काम करने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं लीवर को सही तरह से डिटॉक्स कराने के लिए आप कौन से फूड्स का सेवन कर सकते हैं। नंबर वन पे आता है गाजर। कच्ची गाजर चबाकर खाने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गाजर की पत्तियों में गाजर से 6 गुना अधिक आयरन होता है। गाजर कई रंग की होती है। सभी प्रकार की गाजरों के गुण समान होते हैं। काली गाजर में आयरन अधिक होने से ये सबसे अच्छी गाजर मानी जाती है। दोस्तों, अगर कोई लंबी बीमारी से बाहर निकलता है तो उसके शरीर में कई प्रकार की विटामिन की कमी हो जाती है। उसकी क्षतिपूर्ति करने में गाजर का जूस बहुत ही प्रभावकारी होता है। गाजर का जूस पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। गाजर के गुदे के बीच में एक सख्त लंबी लकड़ी होती है। इसमें बीटा नामक कैरोटीन तत्व पाया जाता है जो आपकी पाचन तंत्र को दुरुस्त और मजबूत रखता है। नंबर दो पर आती है फूलगोभी। दोस्तों, फूलगोभी में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लोहा तत्व के अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयोडीन और पोटेशियम तथा थोड़ी सी मात्रा में तांबा भी मौजूद होता है। फूलगोभी आपको इतने सारे पोषक तत्व एक साथ प्रदान करती है। दोस्तों, खून साफ करने और चर्म रोग से बचने में गोभी बेहद फायदेमंद होती है। इसके लिए आप चाहे तो कच्ची गोभी या फिर इसका जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, लीवर में मौजूद एंजाइम्स को सक्रिय करने में गोभी का सेवन मददगार होता है। इसके सेवन से लीवर सही तरीके से काम करता है और शरीर से विषैले तत्व को बाहर कर देता है। नंबर तीन पे आता है चुकंदर। चुकंदर में हाइपोग्लाइसेमिक तत्व होते हैं जो डायबिटीज जैसी बीमारी का इलाज करने में मदद करते हैं। बल्कि रोजाना चुकंदर का सेवन करने से व्यक्ति के शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही से काम करता है। चुकंदर में फाइबर की मात्रा होती है जिसके कारण ये एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसे हम कब्ज का रामबाण इलाज भी कह सकते हैं क्योंकि इसका सेवन करने से स्टूल नर्म हो जाता है जिसके कारण पेट के सारे टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।